नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। देश में बढ़ते कोरोना संकट और दूसरी लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू ने अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आकलन है कि इस वजह से 72.50 लाख से अधिक नौकरियां चली गई। कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगने से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से फिर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास ने NDTV से कहा, लॉकडाउन की वजह से मोर्चा की तुलना में अप्रैल महीने में करीब 70 लाख नौकरियां चली गई। अप्रैल 2021 में करीब 28 लाख सैलरी वाली नौकरियां चली गई, जबकि इस दौरान 6 लाख डेली वेज वर्करों का रोजगार छिन गया। हालांकि CMIE का मानना है कि बेरोजगारी का संकट पिछले साल के तालाबंदी के स्तर का नहीं है, जब बेरोजगारी दर 24% के रिकॉर्ड स्तर पहुंच गई है। CMIE का आकलन है कि अप्रैल में कृषि मंत्री कृषि क्षेत्र में सीजनल कारणों से करीब 60 लाख रोजगार के अवसर घटे, जबकि इस महीने में करीब 20 लाख लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए अपना रोजगार खड़ा किया है। कोविड के कारण अप्रैल में घरेलू व्यापार को 6.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि अप्रैल महीने में कोविड महामारी के कारण देश में घरेलू व्यापार 6.25 लाख करोड़ के व्यापार न होने का नुकसान हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को भी कुल मिलाकर लगभग ₹75,000 करोड़ का राजस्व के नुकसान का अनुमान है। इस दौरान खुदरा व्यापार को 4.25 लाख करोड़ जबकि थोक व्यापार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान है। जाहिर है रोजगार के मोर्चे पर स्थिति आगे भी चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी।